दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने की खबर सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने अवैध संबंधों को परवान चढ़ाने के लिए अपने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की गला रेतकर हत्या करवा दी। मृतक के परिजनों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? रघुराज। रघुराज, रघुराज, आपके शाहरुख की हत्या हुई है, क्या पता चला, क्या घटना क्या थी? घटना ये थी, वहाँ से ऑटो 10 बजे गए थे जी मेरे सामने, तो मैं वहाँ से चला हूँ, तो फिर वहाँ पर पुलिस आई है मेरे घर पे मुझे लेवाने के लिए, कि वहाँ चलो लड़ाई दंगा हो गया है, उसे लेके आना है। तो वहाँ जाके पता चला मुझे ऑटो में पूरब की तरफ मुँह था और हाथ बना हुआ था एक ऑटो में। यहाँ से गर्दन कट रही है और यहाँ चाकू थी, चाकू लगा हुआ था? हाँ, लगा नहीं हुआ, कटी हुए गए नहीं थे। अच्छा। हाँ, ऐसे नार हो रही थी, एक टांग यहाँ पर रखी थी ऑटो पे और उसमें 30 रुपए हुए, मतलब सारी चीज थी वैसे तो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ पे ये गांव है तुम्हारा उपानी से आगे। तुम्हारे पास जब थे तो क्या समय हो रहा था और हत्या हुई तो क्या समय था? नहीं, मेरे पास से तो 10 बजे गए, तो जब मैं गया तो मैं 2:15 बजे करीब पहुंचा था वहाँ, मुझे गाड़ी छोड़ के आई श्रीपुर वाली। तो क्या कुछ आप लोगों ने शराब पी थी? नहीं नहीं। हाँ। मैं तो घर अपने घर सो रहा था। हाँ। तो वो चले गए, वो चक्कर लगाने जा रहा हूँ गाड़ी का। मारने वाला कौन है? गुलजार। गुलजार कौन है? ये मुसलमान है वहाँ का, माथपुर का। तो उसने क्यों मारा, क्या वजह रही? वजह ये थी उसकी घरवाली से लग रहा था। गुलजार जो है, गुलजार के अवैध संबंध थे? हाँ, अवैध संबंध थे। आपकी शाली से अवैध संबंध थे? तो दोनों ने मिलके मारा उसको? दोनों ने मारा। मौके पे जब आप गई तो क्या पता चला आपको किसने मारा है? नहीं, जैसे मैं जा रहा था इधर से तो गाड़ी में बैठा था, तो रास्ते में गाड़ी मिली मुझे, 5-6 लड़के मिले थे और वो भी साथ था। कौन? गुलजार। गुलजार, जब इधर से आप जा रहे थे? हाँ जी। गाड़ी भी रुकी है, PCR भी गाड़ी रुकी है, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है। मृतक का नाम क्या है? राम प्रसाद की घरवाली के और गुलजार के अवैध संबंध थे। हाँ जी। तो दोनों ने मिलकर मारा है? हाँ जी। आपको वहाँ पता चला इस बारे में? है? आपको किसने बताया ये बात? सवेरे बयान हो गई सब। किसने बताई है? कोई पकड़े लड़के ने बताया। गुलजार ने बताया? हाँ जी। ये इसने बोला था मेरे को। ठीक है, इसके ले ले भाई जी। क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम, क्या हुआ है, आपके जीजा की हत्या हुई है, किसने मारा है? किसने मारा है, क्या वजह थी? गुलजार ने मारा। कौन है गुलजार? कोई मुसलमान है। वजह क्या थी, मुसलमान ने मारा था? ये हमारी जो बहन है उससे, मतलब वैसे संबंध से गलत संबंध थे गुलजार से। कब से थे, आप लोगों को पता था? मैंने तो 1-2 महीने में देखा है, वैसे तो ज्यादा काफी दिन नहीं हुए मुझे देखे हुए। तो जो आपकी बहन है, आपकी बहन ने अपने आशिक के साथ मिलवा करके आपके जीजा की हत्या की है? ये मुझे नहीं पता इस चीज का। हाँ। लेकिन मेरे पास तो फोन गया था 12:30 बजे करीब, जब आया था जब पुलिस आई है, पुलिस ने पूछताछ करी है, तो आपकी बहन ने और गुलजार ने क्या बताया है? मैं नहीं था उस टाइम। 6 बजे ये कबूला किसने के, गुलजार ने कुछ बताया? हाँ, गुलजार ने बताया। क्या बताया गुलजार ने? थाने में ये गए थे, थाने में गए थे, उसने बोला इसने मरवाया था, इसने बोलती 8-7 दिन में शादी कर लेंगे हम, इसको मार दो। अच्छा। हाँ। तो कैसे मारा फिर से? हाँ, वो गुलजार बता रहा था। किस चीज से मारा? चाकू था, छुरी थी, किस चीज से काटा है, गला काटा हुआ। इसके बारे में आपको पहले ही पता था संबंधों के बारे में? हाँ, मैंने 2-1 महीने देखे था, एक बार दो बार मैंने आता भी थी उससे, मैंने धमकाया भी था लेकिन नहीं मानी। नहीं मानी, उसके बाद मैंने देखा नहीं वो साथ में, क्यों धमकी दी उसके बाद नहीं देखा। एक खाली ये कांड हुआ है उसके बाद। कितने साल हुए शादी को? शादी को हो गई करीब 15 साल। सतबीर जी, एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ऐसा है जी, महमदपुर गांव के पास जंगल में रात को हमारे पास फोन आया कि एक ऑटो में डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ जाकर देखा तो गर्दन कटी हुई मिली उसकी आगे की साइड से, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके घर वालों को पता चल गया कौन है, राम प्रसाद नाम का आदमी है, इसकी हत्या की है, रामनगर का रहने वाला है, फरीदाबाद का, पीछे से यूपी के रहने वाले हैं। अब इस पर जाँच जारी है, जल्दी आरोपियों को कर लिया जाएगा। क्या घर वालों ने क्या शिकायत दी है जी? घर वालों ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, उनका भी कोई शिक्षा नहीं है। अब आगे पुलिस की क्या तफ्तीश क्या जारी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब पोस्टमार्टम होने के बाद जल्दी हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया। घर वालों का कहना है कि जी पत्नी का किसी से कोई अवैध संबंध थे, उसने पत्नी ने हत्या करवाई है, ऐसा कुछ मामला सामने? इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, जाँच का विषय है, जाँच होने के बाद ही आप कुछ बताएंगे। अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम होने के बाद
जारी की जाएगी, जैसा सामने आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी।